ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ अल निसा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नाजनीन फातिमा एमबीबीएस डीएनबी कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट इन इनफर्टिलिटी। इस हॉस्पिटल का ग्रैंड इनॉग्रेशन गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा के हाथों किया गया। इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम साहब, दीगर वार्ड के कॉरपोरेटर्स मजार आलम खान साहब और भी कई पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, गुलबर्गा के हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इस ग्रैंड इनॉग्रेशन में मौजूद रहे और सभी ने डॉक्टर नाजनीन फातिमा साहिबा जो कि हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनको मुबारकबाद पेश किए। डॉक्टर नाजनीन फातिमा साहिबा जो कि काफी हाईली एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, एंडोक्रिनोलॉजी और कई सारे कपल्स को यहां पर सक्सेसफुल रेट मिले हैं अल्लाह सुबहानहु तआला के करम से। डॉक्टर नाजनीन फातिमा अवार्डेड हैं गोल्ड मेडल फर्स्ट रैंक होल्डर इन यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हर एमबीबीएस कोर्स। इस ग्रैंड इनॉग्रेशन के मौके पर डॉक्टर नाजनीन फातिमा साहिबा ने मैडम कनीस फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम साहब और आए हुए सभी पॉलिटिकल लीडर्स का फेलिसिटेशन किया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर मैडम कनीस फातिमा साहिबा और आए हुए सभी डिग्नेटरीज ने भी डॉक्टर नाजनीन फातिमा साहिबा का तहदील से शुक्रिया अदा किया और उनका फेलिसिटेशन कर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। दोस्तों, साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर नाजनीन फातिमा साहिबा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और इन्होंने कई सारे प्राइजेज और गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। दोस्तों, डॉक्टर नाजनीन फातिमा ने ये एक हाईली लेटेस्ट मशीनरीज के साथ एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नीट एम्बियंस के साथ अल निसा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है। काफ़ी अच्छे से पेशेंट्स की क्लीनलीनेस को और उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक वेल इक्विप्ड सेंटर जहां पर क्रिटिकल केसेस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स किए जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ नूरबाग में अल निसा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल का जो कि डॉक्टर नाजनीन फातिमा साहिबा का है उसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पर आज। और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बना है, ये अच्छे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ऊपर के जो स्पेशल रूम्स है काफ़ी अच्छे कुशादा बने हुए हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि डॉक्टर दवाखाने में हैं हम लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छा इससे बनाए हैं ये। मुबारकबाद देती हूँ मैं नाजनीन फातिमा को और उनकी तमाम फैमिली को और दुआ हूँ कि अल्लाह और शिफा दे आपके हाथ में। माशाल्लाह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचर आपका, तो मेरी दिली मुबारकबाद आप तमाम लोगों को खुशी में देती हूँ। शुक्रिया। बहुत यहाँ के लोग खुशकिस्मत हैं जो नाजनीन फातिमा यहाँ पर जो इतना अच्छा हॉस्पिटल डाले हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सहूलत की वो है ये यहाँ पर। ये एरिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलत है इस चीज़ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि नूरबाग एरिया में ये अल निसा मैटरनिटी हॉस्पिटल जिसका इफ्तिताह हुआ। मैं अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मैं गुलबर्गा की आवाम को ईमानदारी के साथ ये मैसेज पहुँचाऊँ कि इस तरह का हॉस्पिटल जिसमें बहुत ही अच्छे किस्म की फैसिलिटीज़ हाइजीनिक तरीके से और अफोर्डेबल प्राइस पर मुहैया कराई जाएंगी। ये अल निसा हम जानते हैं हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन अब इसको जिस तरीके से एक डेवलप और मॉडिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुलबर्गा में या गुलबर्गा की आवाम के लिए आज ओपन किया गया है,
मेरी ये बहुत दिली एक मुबारकबाद है डॉक्टर नाज़नीन को, ये मेहनत और इनकी सिंसियरिटी जिसको मैं सलाम करती हूँ। मैं इनको बहुत लंबे वक्त से जानती हूँ। इस तरह के लोग जो अपने माशरे के लिए बहुत जिसे कहते हैं कि मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर के ऊपर है, इनके शोल्डर्स पे इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है और जिसके साथ ये पूरा जस्टिस कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि गुलबर्गा की आवाम ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो मॉडिफाइड यहाँ पर इन्होंने फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई हैं उसको देखें, उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी दुआएं दें मैडम को कि इसी तरीके से ये आगे भी माशरे के लिए काम करती रहें, फ़ायदा हमें जो है वो पहुँचाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।